नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र शुक्ला, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट खितन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर सब्जेक्ट कोड सीएस 210 पीसी मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए अब इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कहता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवीटी? सीवीटी कंप्यूटर में कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करने के लिए काम आता है, अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सीवीटी का पूरा नाम यहाँ पर होगा कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस? हम सब जानते हैं कि सीपीयू में पावर सप्लाई देने के लिए एक अलग से एक केबिन बना हुआ होता है और उस केबिन को हम बोलते हैं एसएमपीएस, जिसका काम है सीपीयू, मदरबोर्ड आदि सभी पार्ट्स को प्रॉपर पावर सप्लाई प्रोवाइड करवाना। और इस एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सही हुआ यहां पर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ विच? जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाइलों का कलेक्शन, कई सारी फाइल्स का कलेक्शन फोल्डर कहलाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल। तो यहां पर हमारा आंसर सही हुआ ए, फाइल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वायरस इज ए, जैसा कि हम सब जानते हैं वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर में एंटर होने के बाद में हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वायरस इज ए सॉफ्टवेयर, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर का हमारा सही आंसर हुआ ए, दैट इज सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ हम चलते हैं, व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ द प्रिंटर? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है डीपीआई, डॉट पर इंच, यह ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन है मेगा बाइट्स पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन है किलो बाइट पर सेकंड, यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन भी सही नहीं है। और डी जो फोर्थ ऑप्शन है, दैट इज पेज पर मिनट, जिसमें कि प्रिंटर की स्पीड हम नापते हैं पेज पर मिनट में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का डी आंसर सही है, दैट इज पीपीएम। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच इज द एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर फ्रॉम द फॉलोइंग? यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर नॉन इंपैक्ट टाइप के प्रिंटर हैं, क्योंकि इन तीनों प्रिंटर्स में किसी प्रकार की इंपैक्टिंग टेक्नोलॉजी का प्रिंटिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर सिर्फ DMP, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर है, जिसमें हम प्रिंटिंग करने के लिए हैमर की स्ट्राइक करते हैं और जिससे कि उस हैमर से स्ट्राइक करने पर कागज पर हमारे प्रिंट आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि DMP इज द एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? MICR हम ज्यादातर बैंक में चेक्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए काम में लेते हैं और MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे सही हुआ बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर एट्थ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR? OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर होगा ए। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फ्रॉम फॉलोइंग? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनईवी, मैकफी और नॉर्टन तीनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सिर्फ ओरेकल यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ओरेकल इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए नॉर्मल सीडी? हम सब जानते हैं कि सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी एमबी में होती है, यानी कि मेगावाइट।
और इसकी एक्चुअल स्टोरेज कैपेसिटी होती है 680 मेगावाइट। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 680 मेगावाइट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईईप्रोम? ईईप्रोम रोम की एक टाइप होती है और यहाँ पर ईईप्रोम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीडोनली मेमोरी। तो यहाँ पर ईईप्रोम का पूरा नाम जो है दैट इज ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होकर डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क बता देते हैं, जबकि हकीकत में यह आंसर सही नहीं है। यहाँ पर डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है बी, दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। सीडी इज ए डिवाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है और सीडी को ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया माना जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं सीडी इज ए डिवाइस और इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्टिकल। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सीआरटी इज एन एग्जांपल ऑफ? सीआरटी का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब और ये मॉनिटर के लिए काम में आने वाली एक टेक्निक होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सीआरटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मॉनिटर, यानी कि हमारा सही आंसर हुआ यहाँ पे सी, दैट इज मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 15, इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा, यानी कि किसी भी स्टोरेज मीडिया में सीधे सीधे डायरेक्टली जंप रिक्वेस्टेड डेटा पर करने की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल एसेस, नहीं ये रॉन्ग आंसर है, रैंडम एसेस, यस इट इज द राइट आंसर। रैंडम एक्सेस इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा बी, दैट इज रैंडम एक्सेस एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 16, इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इंटू ट्रैक्स एंड सेक्टर, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो वो डिस्क ट्रैक्स में डिवाइड होती है और ट्रैक्स आगे सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इंटू ट्रैक्स एंड इट्स सेक्टर्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीई? आईडीई हार्ड डिस्क में जो इंटरफेस यूज करते हैं उसकी एक टाइप होती है और इस आईडीई का पूरा नाम यहाँ पर होगा इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है हमारा बी, दैट इज इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी? सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही आंसर होगा सी, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट? फैट हम फाइल सिस्टम में यूज करते हैं और इसका पूरा नाम है फाइल अलोकेशन टेबल। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा ए, दैट इज फाइल अलोकेशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी? एनआईसी हम नेटवर्क में जो कार्ड लगाते हैं उसे हम बोलते हैं एनआईसी और इसका पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर सही आंसर होगा बी ऑप्शन, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड CS 210 PC मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जाना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CS 210 सब्जेक्ट में ज्यादातर काफी क्वेश्चंस फुल फॉर्म के पूछे जाते हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सब्जेक्ट में सारी की सारी फुल फॉर्मों को आप जरूर याद करके रखें। धन्यवाद।